नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्थ सोने महर चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कान में यदि कोई इंसेक्ट या कीड़ा जैसे कि मक्खी, चींटी, काकरोच, मच्छर जैसे अगर कीड़े कान में चले जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे कान में कोई कीड़ा या इंसेक्ट जब अंदर जाता है तो वह रेंगता है और इधर उधर फड़फड़ाने लगता है और हमारी जो कान की जो कैनाल है उसके आगे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि पर्दा होता है, जिससे कीड़ा या इंसेक्ट अंदर जाता है तो वह हमारे के पास जाकर चलता है, तो जिससे कि आवाज़ ज़्यादा आती है और हमें जो है सुनाई भी कम देने भी लग सकता है, दर्द भी हो सकता है। यह अनुभव जो है भयानक होता है। यह व्यक्ति वही बता सकता है जिसके कान में कभी कोई कीड़ा गया हो। जब हमारे कान के अंदर कोई कीड़ा या इंसेक्ट अंदर हो तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। समय व्यक्ति को थोड़ा शांत या धैर्य बनाकर रखना चाहिए और कोई भी तेल, नारियल का, सरसों का या कोई वेजिटेबल ऑयल एक छोटा चम्मच कान में डालना है। हो सके तो सरसों का ऑयल डाले तो अच्छा होगा, क्योंकि सरसों का ऑयल गाढ़ा और चिपचिपा ज़्यादा होता है, जिससे कि कान में डालने से जो कीड़ा है वह मर जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ऑयल चिपचिपा होने के कारण उसकी मूवमेंट बंद। यदि ईयर वैक्स अगर उपलब्ध हो, ईयर ड्रॉप, उसको भी डाला जा सकता है। पानी में सेंधा नमक घोल कर डालने से भी कीड़ा बाहर निकल सकता है। यदि कीड़ा मर जाए तो व्यक्ति या कोई बच्चे को तुरंत निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगले दिन जाकर ईएनटी सर्जन से निकलवाएं। ईएनटी डॉक्टर के लिए निकालना कोई बड़ा काम नहीं होता है, वह आसानी से निकाला जा सकता है। आप किसी भी ऐसे अनट्रेंड व्यक्ति से ना निकलवाएं, ईएनटी सर्जन से ही निकलवाएं। कान में कीड़ा निकालने के बाद यदि कान में दर्द हो, स्वेलिंग हो, डिस्चार्ज हो तो तुरंत ही अपने ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है